दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल चुनाव में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मंच से दीदी और दीदी कहकर इस तरह चढ़ाना, इसने बंगाल चुनाव की पूरी धुरी बदल कर रख दी थी। दोस्तों, वो बीजेपी जो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर बंगाल में अति आत्मविश्वास से लबरेज थी और प्रधानमंत्री मोदी के इस दीदी और दीदी वाले बयान को टीवी चैनल्स में भी खूब चलाया गया है, कहते हुए कि देखिए प्रधानमंत्री कैसे ममता बनर्जी पर कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री का अंदाज बीजेपी को उल्टा पड़ गया और ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री का दीदी और दीदी कहना एक तरह से बंगाल की अस्मिता, बंगाल की महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया और बीजेपी को बंगाल में मूकी खानी पड़ गई। लेकिन अब बंगाल चुनाव की हार के बाद पहली बार ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया है दीदी और दीदी का जवाब। दोस्तों, ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बगैर दीदी और दीदी का जवाब देते हुए क्या कहा उनसे, सुनिए। तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बगैर दीदी और दीदी का जवाब देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नंदलाल ओ नंदलाल कह रही हैं, एक तरह से उन पर कटाक्ष कर रही हैं। दरअसल ममता बनर्जी पिछले कई दिनों से केंद्र की मोदी सरकार पर इस बात को लेकर हमलावर हैं कि राज्य का जो बकाया पैसा है, राज्य का जो फंड है, वो केंद्र सरकार दे नहीं रही है। बंगाल के साथ, बंगाल के हितों के साथ केंद्र सरकार समझौता कर रही है। इसको लेकर वो दो दिवसीय धरने पर भी हैं अपने राज्य में, अपनी पार्टी के नेताओं के साथ वो धरना भी दे रही हैं। और इसी धरने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का दीदी और दीदी का जवाब नंदलाल और नंदलाल कहते हुए इस तरह से ममता बनर्जी ने दिया। दोस्तों, अपने इस धरने में ममता बनर्जी ने एक बार फिर से विपक्ष को एकजुट होने की अपील की और साफ तौर पर कहा कि बीजेपी को हम देश की सत्ता से उखाड़ कर फेंकेंगे। आप प्रधानमंत्री के दीदी और दीदी के जवाब में ममता बनर्जी के नंदलाल और नंदलाल को किस तरह से देखते हैं, इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।